आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के अंतर्गत लेसन 1 पढ़ रहे हैं, भौतिकी जगत वीडियो नंबर 2 में। मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक सिद्धांत, भाप इंजन और इसका सिद्धांत, ऊष्मागतिकी के नियम पर, नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो तथा टेलीविजन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन संरचना द्वारा, कंप्यूटर, अंकीय तर्क पर, और अति उच्च चुम्बकीय क्षेत्रों का उत्पादन, अति चलकता पर, लेसर विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन से, रॉकेट नोदक न्यूटन गति के नियम से, विद्युत जनित्र फराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत से, जल विद्युत शक्ति गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, वायुवान तरल तरल गतिकीय में बर्नौली का सिद्धांत से, कण त्वरित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति से, सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन, प्रकाशीय रेशे प्राकृतिक रेशे आपके हैं, तो जो प्राकृतिक रेशे हैं प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन पर, अपवर्तित आवरण ट्यूनिफिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति से, प्रकाश विद्युत से, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है आपका। उसके बाद से प्रकाश विद्युत सेल के बाद है सलयन परीक्षण रिएक्टर, प्लेज्मा को चुम्बकीय प्रतिरोध, बृहत मीटर, लैब रेडियो टेलीस्कोप, कॉस्मिक रेडियो विकिरण का संसूचन, आइंस्टीन दाब लेजर पुंज के द्वारा। ये बातें थी, ये कुछ सिद्धांत थे जिसको आपको बताना है। कुछ इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे, किस किस सिद्धांत के द्वारा हम लोग इसके बारे में थे हम बता सकते हैं। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग चलते हैं और बताते हैं। अब जो नया टॉपिक इसमें आता है उसका नाम होता है भौतिकी नियम की प्रकृति, क्या क्या इसके नियम की प्रकृति होती है।